हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसवी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, वन शॉट वीडियो लेक्चर में, हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, सबसे पहले इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर में एक तो क्या पढ़ रहे हैं और इसका सिग्निफिकेंस कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम में ही मतलब छुपा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है? इलेक्ट्रो, और एक क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर किससे डील करते हैं? केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर, या केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर किससे डील करते हैं? हम केमिकल रिएक्शंस से डील करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रो की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, आप दो तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रॉन की तरह समझते हैं, कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक करंट की तरह समझते हैं। और अगर आप करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट को कैरी कराने में इलेक्ट्रॉन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? ठीक है, करंट दो ही तरीके से, दो ही तरीके की चीज़ें हैं जो करंट को कैरी कराती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर आयन्स। ठीक है, अब देखिए, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम दो चीज़ें, क्या, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है केमिकल एनर्जी, उनके बीच का इंटरकन्वर्जन, उनके बीच का आदान प्रदान हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिन्हें हम गैल्वनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, और दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, वो केमिकल रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस हो, जो खुद से हो सकती है। तो कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, उस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रहा है वहां से, उसे किसी यूजफुल वर्क डन में लगाएंगे, उससे कुछ काम कराएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि घड़ी है, तो घड़ी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। घड़ी चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और सुई की घड़ी जो है, जो घड़ी की सुई है, वो घूम रही है, वर्क डन हो रहा है और हमें समय बता रही है। क्लियर है? ठीक है, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होगा, हम करंट देंगे। हम क्या करेंगे, करंट देंगे, और करंट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे हम किसी ऐसे रिएक्शन को कैरिड आउट कराएंगे जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, जो खुद से नहीं हो सकती, उसे किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। एक एक्सटर्नल हेल्प के तौर पे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वो काम कर सके। ठीक है, दोनों को फिर से समझिए। फिर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटरकन्वर्जन के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम दो तरीके के सेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन में जब कोई केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, करंट देते हैं, और करंट देने के बाद हम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं। क्लियर है? तो चाहे आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल से केमिकल हो, इंटरकन्वर्जन इन दोनों के बीच में ही रहेगा इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर का धीरे धीरे करके इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन मैंने ये ले लिया, अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताती हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं केमिस्ट्री में, तब भी अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, तो आप इस चैप्टर को बड़े ही आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस चैप्टर का सिद्धांत क्या है, इस चैप्टर का जो एक तरीके का आधार है वो क्या है, और वो है रिडॉक्स रिएक्शंस।
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो रिडॉक्स रिएक्शंस के रूप में हो रही होती हैं, है ना। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग एवरीवेयर इन आर एवरीडे लाइफ, ठीक है, डे टू डे लाइफ में। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, सबसे पहली बात जिसे नहीं पता है, रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं और वो भी साथ साथ होते हैं। दोनों होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, साथ साथ होते हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब आते हैं हम इस बात पर कि हम ऑक्सीडेशन से क्या समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। इस चैप्टर के अंदर जो आप सबसे ज़्यादा डील करेंगे वो आप इस डेफिनेशन से डील करेंगे। तो आप भले ही इन दोनों को ध्यान रखो या ना रखो, आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन से हम क्या समझते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या फिर ऑक्सीजन हट रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा हो। तो इस चैप्टर के अंदर आप रिडक्शन की जो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन को यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे कि रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो कई जगह एडिशन ऑफ हम ये भी लिख देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 होती है, तो हम लिख देते हैं, इधर रिमूवल आएगा, ठीक है, हम क्या लिख देते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लियर है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वैलिड होती है। अब आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि क्या कि हमारे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ आप हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होती है, ठीक है, बताइए ओम्स लॉ क्या होती है, सोचिए कि ओम्स लॉ क्या कहती है हमें। ओम्स लॉ ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और हम उसमें से करंट पास करा रहे हैं तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है आर, और R हमारा क्या होता है, R हमारा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ पे मुझे नहीं लगता कोई सवाल आपको मिलेगा क्योंकि ये 9th-10th का क्वेश्चन होता है, 12th क्लास का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस क्या करता है, जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है, जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है उसको क्या करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। हर इंसुलेटर हो गया या कोई भी मेटल हो गया, ठीक है, इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, हर किसी के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, किसी के अंदर बहुत कम होती है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टर के अंदर आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको मिनिमम मिलेगी, ना के बराबर। इंसुलेटर में आपको भारी मात्रा में रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। और जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है ओम। क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की
तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, एंड रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है किसके, एल बाय ए के। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें, ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रो। क्या कहते हैं इसे, हम रो कहते हैं। रो की वैल्यू निकालेंगे, रो को यहीं पर रखिए, ए यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल यहाँ ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में, इधर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट में। तो रो की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी आर ए बाय एल। क्या आ जाएगी, आर ए बाय एल, ठीक है। रो की जो हम बात करते हैं, रो को हम क्या कहते हैं, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अगर मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर ले लूं 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ ले लूं 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो रो जो है मेरा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेजिस्टिविटी क्या है बताइए, तो आप कहेंगे कि रेजिस्टिविटी हमारा रेजिस्टेंस ही होता है जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर होता है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहूँ तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होती है, सपोज सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या लिया है हमने सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया और इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ओम मीटर। कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं। बढ़े आगे, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है कंडक्टेंस, वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है जी। कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है जी। रेजिस्टेंस जो है एक तरीके से करंट को फ्लो करने से रोकती है, और कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि कितना करंट कंडक्ट होगा किसी मतलब मेटल में से, किसी भी सब्सटेंस में से। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रेजिस्टेंस रोकता है, कंडक्टेंस जो है वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में, यू नो, ज्यादा अमाउंट में करंट कैरी हो। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जितना वो रेजिस्ट करेगा करंट को फ्लो करने से, कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और उल्टा है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो जी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/r, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, और वो आती है क्या, वो आती है कंडक्टिविटी, वो आती है कंडक्टिविटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कापा से, ठीक है। कई लोग इसे कापा कप्पा कुछ भी बोलते हैं, आप समझने पे ज्यादा फोकस करिए प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है। अच्छा, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रख रही हूँ, ओम रख रही हूँ, मैंने लिखा था क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ओम इनवर्स, ठीक है। अब आते हैं कंडक्टिविटी पे, कापा पे। जो कापा है मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो कापा होता है 1/ρ। क्या होता है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट रहेगा कंडक्टिविटी। अब मेरा जो रो है, मतलब इसकी वैल्यू अगर मेरे को पता है तो मैं डायरेक्ट पुट करके कापा निकाल सकती हूँ, ठीक है, या कप्पा निकाल सकती हूँ। अब आते हैं रो पे, अगर रो की वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो रो की वैल्यू क्या निकाली है हमने, आर ए बाय एल। तो ये हो जाएगा आर ए बाय एल, ठीक है। अब ये भी एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल के अंदर। अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ तो लेंथ की यूनिट क्या है, सपोज सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया,
ये आ गया 1/ohm सेंटीमीटर, यानी कि जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, इसकी यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आई थिंक कहीं आउट ऑफ फ्रेम ना जा रहा हो तो मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, इसकी यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर में पुट कर रहे हैं तो बन जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है? ठीक है, अभी तक देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ओम्स लॉ डिस्कस करी कि वी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है। फिर हमने कहा कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, हमने कहा रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, ठीक है, इसकी यूनिट ओम होती है। मैंने कहा रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए बन जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो रो आता है और रो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी, जिसकी वैल्यू आती है आर ए बाय एल। फिर हमने कहा अगर हम लेंथ 1 सेंटीमीटर रख दें एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें तो हमारा यही रो किसके बराबर आ जाता है, ये हमारा आर के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं हमारा रेजिस्टेंस ही होता है जब कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर दे रखी हो और एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। फिर हमने इसकी यूनिट निकाली तो हमने इसके फॉर्मूले का यूज़ किया कि इसका फॉर्मूला आर ए बाय एल होता है, आर की यूनिट रखी ओम, एरिया की यूनिट रखी सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट रखी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और रो की यूनिट आ गई हमारी ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, कुछ भी हो सकती है। फिर हमने जिक्र किया कि कंडक्टेंस क्या है, तो हमने कहा कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस जैसे ही करंट को रोकता है, कंडक्टेंस का काम है कंडक्ट कराना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमने कहा कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है जी, तो जी इज इक्वल टू 1/r हमारा हो जाता है और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। फिर हमने बात किया कापा के बारे में कि कापा क्या होता है, कापा हमारा कंडक्टिविटी होता है जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है 1/ρ। हमने रो की वैल्यू पुट करी और हमने यहाँ से इसकी यूनिट निकाली कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हमारी कापा की यूनिट हो सकती है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं कापा एक्चुअल में क्या होता है वो चीज़ डिस्कस करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप कि जो 1/r होता है, 1/ रेजिस्टेंस जो होता है वो G के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको, कापा इज इक्वल टू जी इंटू में एल बाई ए, ये एक्सप्रेशन भी हमारी बन सकती है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कापा जो है वो क्या होता है, कापा से हम क्या समझते हैं। हमने कापा की एक्सप्रेशन तो देख ली, पर हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कापा क्या होता है। यहां से 1 मार्क्स में आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, बहुत बार आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, तो वो अभी हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है। देखिए, हम ना क्लास 11th में पढ़ते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, कि जब भी हमें किसी चीज़ को मास में पढ़ना होता है तो हम उसको उसकी SI यूनिट में लेंगे, वॉल्यूम को पढ़ना है तो हम उसको कैसे लेंगे, ठीक है, मतलब चीज़ों को पढ़ना है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो हम आते हैं अभी फिलहाल के लिए वॉल्यूम पे। हम ना ये चीज़ पढ़ते हैं कि जब हम केमिस्ट्री में डील करते हैं तो हमारा अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है टन में या you know, कोई बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में तो होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे अमाउंट में पढ़ते हैं और हमने ना एक चीज़ फिक्स कर रखी है कि जब भी हम वॉल्यूम को पढ़ेंगे ना तो हम एक ऐसे कंटेनर को अज्यूम करके पढ़ेंगे जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये क्यूब बना दिया, आपको पता है कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, तो जो इसकी लेंथ होती है वही इसकी ब्रेथ और हाइट भी होती है। ठीक है, तो अगर मैंने ये 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो जब मैं बात करूंगी वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या जाएगा, क्या जाएगा, आप ए क्यूब भी बोल सकते हैं, सीधा सीधा मैं लिख रही हूँ कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है कि भाई कितनी लंबाई है, कितनी ब्रेथ और कितनी हाइट है, और वो हमारी सारी ही सेम है यहाँ पर,
तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू में 1 सेंटीमीटर इंटू में 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अब वॉल्यूम मेरी आ गई ये, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं किसी चीज़ की वॉल्यूम निकालूंगी, मतलब किसी भी चीज़ को वॉल्यूम में अगर मुझे पढ़ना है, तो मैं उसका स्टैंडर्ड क्या मान के चलूंगी कि भाई उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1111 सेंटीमीटर हो और ओवरऑल उसकी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर आ जाए। क्लियर है, ठीक है। देखिए, मैं चीज़ों को बहुत ही स्पीड से और बिल्कुल क्विक तरीके से बता सकती हूँ, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एक्चुअल में होते हैं जिनको ये सब बातें भी नहीं पता होती। तो मैं कलेक्टिवली सारे बच्चों को ध्यान में रख के चीज़ों को बताना प्रेफर करती हूँ। मुझे नहीं पता कि किस बच्चे को कितना पता है कितना नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर तरीके का बच्चा वीडियो को देख रहा होता है। ठीक है, तो जिन्हें चीज़ें पता है प्लीज़ माइंड मत करिएगा कि मैम क्या बता रही है हमें। अच्छा, अब आते हैं हम क्यूब पर। अब क्यूब क्या है, मैंने क्यूब ले लिया और मैंने ना इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर लिया। ठीक है, मैंने क्या भरा इसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट भर लिया। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे आपको इलेक्ट्रोलाइट समझाना है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर ना एक सैंपल भर लिया। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैंने इसके अंदर एक सैंपल भर लिया और जो मैंने सैंपल लिया है वो बिल्कुल प्योर है। वो क्या है, बिल्कुल प्योर सैंपल है, प्योर इलेक्ट्रोलाइट लिया है। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल मान लो चीनी है, चीनी छोड़ो, नमक है सपोज, ठीक है, क्योंकि नमक अच्छा कंडक्शन कराएगा हमारा। हमने नमक लिया और हमने नमक को ना पिघला लिया, पानी वानी कुछ नहीं मिलाया हमने उसके अंदर, कोई सॉल्वेंट नहीं, कोई पानी नहीं, नथिंग। हमने सिर्फ नमक लिया, नमक को हमने मेल्ट कर लिया, ठीक है, मोल्टन स्टेट ले लिया। और अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि भैया हम तो इसके अंदर से ना करंट कैरी कराएंगे, करंट भेज देंगे और हम ये देखेंगे कि इसने अपने अंदर से कितनी कंडक्टेंस कराई, इसने अपने अंदर से कितनी कंडक्टेंस करवाई। तो जितना ये अपने अंदर से अमाउंट ऑफ करंट को कंडक्ट कराएगा वो इसके कापा की वैल्यू कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, इसके कापा की वैल्यू कहलाएगी। अब सवाल बोर्ड में क्या आता है, सवाल बोर्ड में ये आता है कि जब हम बात करते हैं कापा की, कापा को हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं और ना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। हम इसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं और कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये जो शब्द है ना स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर, फिक्स कर दिया कि भैया यही, ठीक है। तो ये क्यों दिया गया है ये वर्ड, इसको कंडक्टिविटी के आगे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडक्टेंस जो पर्टिकुलरली वही इलेक्ट्रोलाइट करवाएगा। समझ में आया, जैसे कि अगर सपोज केमिस्ट्री पढ़ाना है तो मैं बोल रही हूँ कि मैं इस चैनल पे मैं ही पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री, तो ये स्पेसिफिक हो गया कि स्वीटी मैम ही केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कापा की वैल्यू हो गया। समझ में आया। अब देखिए क्या है, सवाल बोर्ड में ये आता है कि अगर हम डाइल्यूशन कर दें, अगर हम डाइल्यूशन कर दें, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, या तो कंसंट्रेशन कम करना होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन को कम करना। अब वो कैसे भी, आपको इस अदर सॉल्वेंट मिला दो, पानी मिला दो, कुछ भी मिला दो। तो मैंने क्या किया इसमें ना, डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मैं ना ऐड कर रही हूं वॉटर, और ये फिक्स है मेरा। क्या फिक्स है कि भैया ये तो हम इसको तो बदल नहीं सकते, ये कह रहे हैं तुमको जो करना है करो अपनी मर्जी से, पर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। अब देखो एक ग्लास है, इसको आसान तरीके से समझो, एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर ना मान लो मैंने क्या किया, दूध भर दिया, पूरा प्योर, अच्छे से प्योर दूध है, गाय भैंस का निकाला, अब ये देखिए ताज़ा ताज़ा, और ग्लास को मैंने भर दिया। अब मैं कह रही हूँ मैं तो दूध में ना पानी मिलाऊंगी, तो ग्लास का जो आकार है, ग्लास का जो वॉल्यूम है, शेप है, वो तो फिक्स है, है ना। अगर मुझे उस दूध में पानी मिलाना है और वो ग्लास पूरा भरा हुआ है दूध से, तो पहले मैं कुछ दूध निकालूंगी ना, उस ग्लास में से मिल्क के अमाउंट को निकाल दूंगी, फिर उसमें पानी ऐड करूंगी। अब आप सोचो कि जो मेरा प्योर दूध था उसमें से पहले मैंने कुछ दूध निकाल दिया, यानी कि अपना जो मेन सब्सटेंस था उसका अमाउंट कम कर दिया, फिर उसमें पानी डाला है, तो क्या दूध का अमाउंट कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो बहुत बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कापा घटता क्यों है,
वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आप इसके पीछे की बात को नहीं समझ रहे कि भैया कापा एक्चुअल में है क्या। कापा का मतलब ये है कि भाई जब हम प्योर इलेक्ट्रोलाइट किसी ऐसे कंटेनर के अंदर भर दें जिसकी वॉल्यूम 1 cm³ है, तो वो अपने अंदर से कितना कंडक्टेंस कराएगी। वॉल्यूम फिक्स है। अगर मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ, मतलब पानी ऐड कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पहले कुछ इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल दूंगी। कुछ इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने बाहर निकाला, पानी ऐड किया ताकि वापस से 1 cm³ हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, मैंने प्योर इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है या उसकी जो वैल्यू है उसको कम कर दिया। अगर पहले प्योर इलेक्ट्रोलाइट में सपोज हाइपोथेटिकली 1000 पार्टिकल थे जो कंडक्टेंस करा रहे थे, डाइल्यूशन करने के चक्कर में मैंने इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाला, पानी को ऐड किया, अब इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं 800 हो जाएं, तो 800 ज़्यादा अच्छा कंडक्शन कराएंगे कि 1000 कराएंगे? जाहिर सी बात है 1000 कराएंगे। तो अमाउंट कम कर देने से, डाइल्यूशन कम कर देने से करंट कैरिंग आयंस कम हो जाते हैं, करंट कैरिंग पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइल्यूशन कम हो जाता है और कापा की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये बोर्ड में 1 मार्क्स में बहुत आता है, आप कृपया करके इसको ध्यान रखें, भूले ना। पेपर में आए तो मुझे वापस आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैडम देखो ये सवाल आया था और हम ये सही करके आए थे, ठीक है। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, कापा घट जाता है, क्योंकि रीज़न भी बता रही हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस हमारे कम हो जाते हैं। क्लियर है? आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो अभी मैं अपने ही रिकॉर्डिंग सुन रही थी रिकॉर्ड करने के बाद, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि मैंने फ्लो में डाइल्यूशन कम करना बोल दिया है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, रखना कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं हम, और डाइल्यूशन बढ़ाने से कापा कम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस कम हो जाते हैं। डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन बढ़ा देने से कापा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि मैंने एक जगह या दो जगह ये बोल दिया डाइल्यूशन कम करना, ठीक है। अगर डाइल्यूशन आप कम करोगे, अगर आप डाइल्यूशन कम करोगे कापा बढ़ेगा, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे कापा घटेगा, ठीक है। तो बीच में एक दो जगह मैंने फ्लो में ध्यान नहीं रहा मुझे, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, तो आप ध्यान रखना डाइल्यूशन के लिए। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उस पर जाने से पहले ना एक दो चीज़ें और बता दें, ठीक है। देखो ध्यान से सुनते जाइए, कुछ हमारी ना टर्म्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक हमारे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर ना हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो करंट को कैरी नहीं कराते, जो करंट को कैरी नहीं कराते, जो करंट को कैरी नहीं करा रहे, हम उसको क्यों पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि वो तो करंट कैरी नहीं करा रहा है, तो उसको तो सबसे पहले साइड कर दो, ठीक है, वो हमारे किसी काम का है नहीं। अब आते हैं हम किस पे, कंडक्टर पे। अब आते हैं हम किस पे, कंडक्टर पे। कंडक्टर हमारा वो चीज़ होती है जो करंट को कैरी कराए। कंडक्टर क्या होते हैं, हमारे वो सब्सटेंस जो करंट को कैरी कराए। अब कंडक्टर भी ना एक टाइप के नहीं होते, कंडक्टर की में भी ना वैरायटी होती है, और ब्रॉडली अगर हम बात करें ना तो कंडक्टर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होते हैं हमारे पास मेटालिक कंडक्टर, और दूसरे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, ठीक। अब आते हैं इन दोनों के डिफरेंस में। मेटालिक कंडक्टर जो है ना, इसमें जो करंट होता है, करंट जो कैरी किया जा रहा है वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट कैरी हो रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो है करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या होता है, आयंस की वजह से करंट कैरी होता है। मेटालिक कंडक्टर जो है ये फ्लो नहीं करता। लाइक मैंने पानी रखा और पानी के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक रोड लगा दी कि पानी गर्म करूंगी और फिर नहाऊंगी, तो ऐसा थोड़ी है कि पानी के अंदर रोड लगाई और मैं बटन ऑन करके चली गई, चलो काम वाम करती हूँ तब तक पानी गर्म हो जाएगा, और वापस आई तो देखा कि आइला यहाँ तो रोड है ही नहीं, रोड तो घुल गई पानी के अंदर। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। तो वो एग्जाम्पल किसका है, मेटालिक कंडक्टर का। यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस है वो फ्लो नहीं करता, ठीक है।
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो आपका मैटर है ना वो डिसोसिएट हो जाता है, जो आपका मैटर है वो डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, आयन्स में, किसमें, एक तो कैटायन में, जो कैटायन वो होता है जिन पे प्लस चार्ज हो, और एक एनायन में जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, और फिर आयन्स के फॉर्म में वो क्या करता है, फ्लो करता है, जिसकी वजह से वो करंट को कैरी कराता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लो नहीं करता, यहाँ पे क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, एक टाइम ऐसा आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कंडक्टिविटी कम होने लग जाती है, कंडक्टेंस जो है वो कम होने लग जाती है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं कि भाई तू निकल और करंट को कैरी करा, पर जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं तो अपने आप को कर्नल में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, कर्नल में चेंज कर देते हैं। अब जब आप टेम्परेचर एक सीमा के बाद बढ़ाते जाओगे तो ये वाले जो हमारे कर्नल्स हैं ये टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं किसमें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होने लग जाती है। क्लियर है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है, आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हमारा ये सब्सटेंस टूटने लग जाएगा, किसमें टूटने लग जाएगा, कैटायन में और एनायन में, और जितना ज़्यादा ये टूटेगा, जितने ज़्यादा आयन्स बनेंगे उतना ज़्यादा वो करंट को कैरी कराएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस कम हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास कंडक्टर्स दो तरीके के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से डील करते हैं, मेटालिक कंडक्टर से हम डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट पे कि भाई इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एसिड हो गया, बेस हो गया, सोल्ट हो गया, कुछ भी। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, बस जो क्या हो सके, डिसोसिएट हो सके, जो क्या हो सके, टूट सके, डिसोसिएट हो सके इंटू आयन्स, आयन्स में टूट सके, डिसोसिएट हो सके। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रोलाइट, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये एसिड भी हो सकते हैं, ये बेस भी हो सकते हैं, ये सॉल्ट भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, एक हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं कि ये ना कम्प्लीटली टूट जाएंगे, ये बहुत ही मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिसोसिएट हो जाते हैं। मैं लिख देती हूँ, मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या हो जाते हैं, ये आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे अमाउंट में कंडक्शन कराते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, इनका जो डिसोसिएशन है वो क्या रहेगा, वो इनका पुअर रहेगा, और इसकी वजह से जो इनका कंडक्शन है वो ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं रहेगा, लो एक्सटेंट तक ये क्या कराएंगे, ये कराएंगे कंडक्शन कराएंगे। क्लियर है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। अब लैम्डा पे भी आ जाते हैं, देखिए दो तरीके के लैम्डा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लैम्डा दो तरीके के यूज होते हैं, एक लैम्डा होता है ये वाला इस तरीके से, जिसे हम बड़ा लैम्डा कहते हैं,
और एक होता है ये इस तरीके से जो आप वेवलेंथ वगैरह के लिए यूज करते हो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो दो इसको बोलते हैं छोटा लैम्डा, इसको कहते हैं बड़ा लैम्डा। ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जब हम किसी बड़े से यू नो कंप्लीट सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ना, चाहे एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, तो हम बड़े लैम्डा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मुझे लिखना है HCl तो मैं बड़ा लैम्डा लगाऊंगी। अगर मुझे लिखना है बेस NaOH मैं बड़े लैम्डे का प्रयोग करूंगी। ठीक है, अगर मुझे लिखना है सॉल्ट तो मैं यू नो NaCl बड़ा लैम्डा यूज करूंगी। ठीक है, छोटा लैम्डा जो है वो हम यूज करते हैं आयंस के लिए, फिर भले ही वो हमारे पास कैटायन हो या फिर वो हमारे पास एनायन हो। लाइक मेरे को अब जैसे HCl टूट गया तो मैं छोटा यू नो HCl टूट गया H प्लस में और Cl माइनस में, छोटा लैम्डा लगाऊंगी कि देखो ये H प्लस की कंडक्टेंस है, ये Cl माइनस की कंडक्टेंस है, या मेरे ये सोडियम आयन की कंडक्टेंस है, ठीक है, या ये OH माइनस की कंडक्टेंस है। तो जब हम इंडिविजुअल आयन्स के कंडक्टेंस की बात करेंगे छोटा लैम्डा यूज करेंगे। जब हम किसी सब्सटेंस की बात करेंगे, किसी कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, तो जब उसका वन फॉर्मूला यूनिट यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर बड़ा लैम्डा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ना इलेक्ट्रोलाइट की देखी जाएगी, किसी सब्सटेंस की देखी जाएगी। तो जब इलेक्ट्रोलाइट या सब्सटेंस के लिए देखी जाएगी तो बड़े लैम्डा का प्रयोग होगा, और मोलर कंडक्टिविटी के लिए नीचे लिखा है एब्रीवेशन में स्मॉल एम। क्लियर है, अब देखिए क्या होता है इसका जो फॉर्मूला है लैम्डा एम का, वो होता है मोलर कंडक्टिविटी का कापा इंटू में 1000 अपॉन में मोलारिटी, और जो इसकी यूनिट रहेगी वो यूनिट रहेगी इसकी ओम इनवर्स, जिसे हम साइमन भी कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये हमारे पास क्या होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है इसको समझेंगे। मैंने आज ही के वीडियो में आपको बताया कि जब भी हमें किसी की वॉल्यूम लेनी होती है तो हम स्टैंडर्ड में क्या लेते हैं, ऐसा कंटेनर जिसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो, 1-1 सेंटीमीटर हो, यानी कि जिसका वॉल्यूम कितना आए, जिसका वॉल्यूम आए 1 cm³। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कापा में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट को पिघला रहे थे। ठीक है, प्योर इलेक्ट्रोलाइट को कंटेनर के अंदर डाल के कंडक्टेंस चेक कर रहे थे। मोलर कंडक्टिविटी में हम ऐसा नहीं करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी में हम क्या करेंगे, पहले ना हम इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, कितना लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को हम 1 mole लेंगे। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे 1 mole और फिर हम उस 1 mole इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व कर देंगे। हम क्या कर देंगे, उसे डिसॉल्व कर देंगे, पानी में डिसॉल्व कर देंगे या जो भी हमें अदर सॉल्वेंट लेना है उसमें हम उसको डिसॉल्व कर देंगे, और जो फिर हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके, उस सॉल्यूशन को हम इसके अंदर भर देंगे। उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इसके अंदर भर देंगे। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, कापा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट था, कापा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट था और उसे पिघलाया था हमने। इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है 1 mole और इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट भी है जिसमें हमने इसको डिसॉल्व कर रखा है, वो पानी है या कुछ भी है। समझ में आया, दो चीजें हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट अपने तरीके से आयंस में टूटेगा और जो हमारा सॉल्वेंट है वो अपने तरीके से टूटेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा आसान कर देती हूँ। मान लो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, तो पानी के अंदर मतलब ये टूट गया Na प्लस Cl माइनस में, और सॉल्वेंट मैंने ले लिया है पानी, तो पानी टूट गया अपना H प्लस में OH माइनस में। तो जो टोटल नंबर ऑफ आयंस कंडक्टेंस शो कराएंगे ना, जिसकी वॉल्यूम 1 cm³ है, वो कहलाएगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? ठीक है,
क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं 1 मोल, उसको डिसॉल्व कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, भर देते हैं और टोटल जो हमारी वॉल्यूम रहती है वो 1 cm³ रहती है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं इसकी दीवारों पे, हम क्या करते हैं इसके दीवारों पे कैथोड और एनोड को लगा देते हैं। मान लो मैंने एक प्लेट लगा दी, इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी जो कैथोड और एनोड की तरह एक्ट कर रही है, और उसको कनेक्ट कर दिया भाई, जिस भी बैटरी वैटरी से हमको कनेक्ट करना है हमने उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, करंट जब दे रहे हैं जितना ये अपने अंदर से कंडक्शन कराएगा वो इसके लैम्डा एम की वैल्यू कहलाएगी, मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कहलाएगी। समझ में आया? आप ना कभी इसके डेफिनेशन देखना मोलर कंडक्टिविटी की, आपको ना ये दिखाई देगा कि कंडक्टेंस, यू नो कंडक्टेंस शोन बाय ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्वड इन 1 cm³ ऑफ द यू नो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड द होल इलेक्ट्रोलाइट या होल सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन द यू नो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय 1 cm डिस्टेंस। ये इसकी यू नो अजीबोगरीब सी डेफिनेशन होती है, पर मैंने आपको उसी को आसान भाषा में समझा दिया कि कंटेनर लेंगे। अब जब एक बात बताओ, कंटेनर की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जब सब कुछ 1 cm है और मैं उसको दीवारों पे लगा रही हूँ तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी तो 1 cm ही हुआ ना। ठीक है, तो जब आप इसको सैंपल में डाल देते हैं, कैथोड एनोड को लगा देते हैं 1 cm की दूरी पे, इलेक्ट्रोलाइट आपका 1 मोल होता है, ओवरऑल सॉल्यूशन आपकी 1 cm³ होती है। ठीक है, जो सॉल्यूशन बनेगा जो अपने अंदर से कंडक्टेंस कैरी कराएगा वो हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है? आपको इस बात का ध्यान रखना है आपकी जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बनेगी वो कितना बनेगा, 1 cm³ बनेगा। अब क्या होता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि डाइल्यूशन आप जितना ज़्यादा करते जाओगे, सॉल्वेंट को ऐड करते जाओगे, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा यू नो डिसोसिएट होता चला जाता है, अच्छा कंडक्टेंस शो कराता है, और वाटर जो है हमारा उसमें H+ आयन होता है, H+ आयन तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या कराता है, कंडक्शन कराता है। कापा क्यों घट रहा था, क्योंकि कापा के अंदर हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस देखते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स की भी कंडक्टेंस देखी जाती है और सॉल्वेंट के आयन्स की भी कंडक्टेंस देखी जाती है, टोटल आयन्स की कंडक्टेंस हम देखते हैं। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसोसिएट होना शुरू होते हैं और मैक्सिमम अमाउंट में कंडक्शन कराते हैं, लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर है? अब इसी तरीके से जैसा मैंने आपको ये समझाया, सेम हमारे पास होता है क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा ई क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा ई क्यू से। फिर उसके बाद लैम्डा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, कंडक्टेंस की, ई क्यू का मतलब है इक्विवेलेंट। तो लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला होता है कापा इंटू में 1000 अपॉन में नॉर्मैलिटी, अपॉन में क्या होता है, नॉर्मैलिटी होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल लिया था, इसमें हम क्या करते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन बना के 1 cm³ इसके अंदर भर देते हैं, जितनी ये कंडक्टेंस शो कराता है वो क्या कहलाती है, उसके लैम्डा ई क्यू की वैल्यू कहलाती है। इसमें भी सेम वही चीज़ रहेगा, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयन्स अच्छे से डिसोसिएट होंगे और कंडक्शन को शो करेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर बढ़ती है, जबकि कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पर घट जाती है। क्या घट जाएगी, कापा की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, और यहाँ पे जो इसकी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, लैम्डा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और रहेगी आपकी ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। लैम्डा इनवर्स की जगह हम लोग साइमन भी यूज कर सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
ग्राम इक्विवेलेंट भी हो सकती है, ठीक है। और जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी हो सकती है। क्लियर है, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और हम कौन सी टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम, तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया, और लिमिटिंग जो है इसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ किताबों में हमें ये लैम्डा एम इन्फिनिटी के साइन से भी मिलता है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है। देखिए, मैंने ना एक ग्राफ बनाया, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और मैंने ग्राफ बनाया लैम्डा एम का वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन मेरी अंडर रूट में है, और ये है मेरी जीरो की वैल्यू। कंसेंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है, 0.1, 0.2, आप चाहे तो 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे 0.6, 0.7, ऐसे चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, सो ऑन। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। अब मैं यहाँ पर दो तरीके से इलेक्ट्रोलाइट लूंगी। एक लूंगी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, एक लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। मैंने लिया कम्प्लीट इलेक्ट्रोलाइट में KCl, मैंने क्या लिया KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड अपने आप ही बिना हमें परेशान करे, यू नो, Cl K प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे जैसे यू नो हम डाइल्यूशन करते जाएंगे, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, अमाउंट कम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का, तो क्या होता है कि कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई देती है। वो हमें कैसे दिखाई देती है, बढ़ते हुए दिखाई देती है। जैसे KCl का मैंने ग्राफ बनाया, तो KCl का ग्राफ मुझे कैसा दिखाई देगा, ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब KCl जो है ये अपने आप में एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये अपने आप में क्या है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आप ही टूट रहा है और अच्छे खासे अमाउंट में मुझे कंडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे एक्सट्रापोलेट करूं और वाई एक्सिस पे जहां पे यू नो इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, जीरो, मैं यहां से कंडक्शन की वैल्यू निकाल सकती हूं, और ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी कहलाएगी लैम्डा एम नॉट, या फिर कहलाएगी लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपसे पेपर में कोई पूछ ले कि भाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो आप कहेंगे कि ये वो कंडक्टेंस की वैल्यू होती है जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, या अप्रोच टू जीरो हो जाती है, एक्स्ट्रापोलेट करने पे आ जाती है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का तो कंसेप्ट सीधा सा है कि भैया कंसेंट्रेशन कम करोगे कंडक्टेंस आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी, एक्स्ट्रापोलेट करोगे आपको मतलब पता चल जाएगा कि जीरो कंसेंट्रेशन पे इसकी क्या कंडक्टेंस की वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कर्व है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मान लीजिए मैंने यहां लिया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। मैं जैसे जैसे डाइल्यूशन करूंगी यानी कि कंसेंट्रेशन को कम करूंगी, कंसेंट्रेशन ऐसे कम हो रही है, ऐसे बढ़ रही है, तो क्या होता है, ड्रास्टिकली कंडक्शन में जो है वो चेंज देखने को मिलता है। ड्रास्टिकली हमें कंडक्शन में चेंज देखने को मिलता है। तो यानी कि क्या है कि जब मैंने डाइल्यूशन करना शुरू किया तो कंडक्टेंस देखो ना, इधर इतनी है वैल्यू, इधर इतनी है, इधर इतनी है, इधर इतनी है, इधर इतनी है, तो
तो कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। एक समय आ रहा है जब कंडक्टेंस की वैल्यू मुझे बढ़ती बढ़ती दिखाई देगी, पर अप्रोक्सीमेटली आसपास ही रहेगी, थोड़ी 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 करके बढ़ेगी। तो मैं इसको एक्सट्रापोलेट कैसे करूं? ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल आ गया, ये तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है। तो इस ग्राफ से हम क्या चीज सीख रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे एक्सट्रापोलेट करके, जबकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के हम बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं। समझ में आया? तो इस दुविधा से हमें बचने के लिए मदद करी किसने? कोलराश ने। उन्होंने अपनी एक लॉ दे दी और उन्होंने कहा कि तुम झंझट खत्म करो इसका, स्ट्रॉन्ग का वीक का ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना बंद करो। मैं तुम्हें एक एक्सप्रेशन दे देता हूँ, क्या कि जब भी आपको इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसके आयंस के कंडक्टेंस को आप क्या कर दो? ऐड कर दो। आप उसके कंडक्टेंस आयंस के कंडक्टेंस को क्या कर दो? सम अप कर दो। समझ में आया? ठीक है, ये तो एक बात हो गई। कोलराश पे मैं अभी और आऊंगी इन डिटेल, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं। आप देख रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व ऐसा कुछ आ रहा है, स्ट्रॉन्ग का ऐसा कुछ आ रहा है। ऐसा क्यों है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आप ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और उसको जितनी कंडक्टेंस शो करनी होती है वो कर देता है। तो इसमें डाइल्यूशन करने पे हमको कोई बहुत ड्रास्टिकली चेंज देखने को नहीं मिलता। वो पहले से उसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा खासा कंडक्टेंस शो कर रहा है, इसलिए इसका कर्व हमें ऐसे मिलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ड्रास्टिकली देखो यहाँ पे कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी कम थी और फिर यहाँ पे देखो पहुंचे जा रही, बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, बढ़े जा रही है। क्यों आ रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट खुद तो डिसोसिएट हो नहीं पा रहा। जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्वेंट की मदद से उसके पार्टिकल्स ने डिसोसिएट, मॉलिक्यूल्स ने डिसोसिएट होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंडक्टेंस में हमें ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक? कपड़ा पता नहीं मैंने कहां रख दिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोलराश पे। कोलराश ने कहा कि भैया मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट का आपको कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, आप उसके केटायन और एनायन के कंडक्टेंस को क्या कर दीजिए? सम अप कर दीजिए। हाँ, आपको उनके नंबर ऑफ आयंस से जरूर मल्टीप्लाई करना होगा जो उनके फॉर्मूला यूनिट में आ रहा है। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है सपोज बैरियम हाइड्रोक्साइड की जगह बैरियम क्लोराइड ले लेते हैं, मान लीजिए है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड जो है वो कैसे टूटता है? वो टूटता है बैरियम 2+ में और क्या देगा? 2Cl- देगा। तो जब मैं इसका लैम्डा एम नॉट निकालूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी? बैरियम की कंडक्टेंस जो भी है वो लिख दूंगी, फिर क्लोराइड की कंडक्टेंस जो भी है वो लिख दूंगी, और क्योंकि यहाँ क्लोराइड 2 है तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास है एल्यूमिनियम सल्फेट जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? एल्यूमिनियम 3+ में और एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। SO4 सल्फेट अलग होगा, SO4 2- में और सल्फेट कितने हैं? 3। तो जब हम इसके कंडक्टेंस निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन, कितने हैं एल्यूमिनियम? 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा में कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन हमारे कितने हैं? 3, तो 3 से गुना कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस। 4 एप्लीकेशंस हैं, मैंने सीक्वेंस में चारों लिख दी हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो कोलराश ने तो अपनी लॉ ही इस वजह से दी थी, है ना? उन्होंने कहा था कि भाई चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कर्व है अगर हम उसे हम एक्सट्रापोलेट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाता है, बट वीक के लिए नहीं मिलता। तो कोलराश ने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसके कंडक्टेंस कैसे निकाली जा सकती है? इसकी कंडक्टेंस निकाली जा सकती है अगर आपको एसीटेट आयन की कंडक्टेंस पता है और आपको अगर H+ आयन की कंडक्टेंस पता है, तो दोनों के कंडक्टेंस को अगर आप ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो आपको एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस मिल जाएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है एक कि वाटर की कंडक्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, उस पर भी मैं आऊँगी। मान लीजिए आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए आपको डाटा दे रखा है, आपको कंडक्टेंस दे रखा है पोटेशियम एसीटेट का, आपको कंडक्टेंस दे रखा है HCl का, और आपको कंडक्टेंस दे रखा है KCl का, ठीक है। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में ये तीन डाटा गिवन है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू गिवन है, और आपको क्या निकालना है? एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो जिस किसी की भी कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, आप क्या करो, उसके उसको केटायन और एनायन में तोड़कर लिख लो कि भाई केटायन ये है, एनायन ये है। अब आप ये देखो कि आपको ये वाला आयन कहाँ से मिलेगा, ये आयन आपको मिलेगा यहाँ से, और ये वाला आयन आपको एसीटेट का कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ से। तो जो दो चीज़ें आपको चाहिए उनको तो आप ऐड कर दो, और जो आपको नहीं चाहिए जैसे पोटेशियम और क्लोरीन, इसको आप माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ और इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको तोड़कर लिख रही हूँ मैं, तो मैंने लिखा एसीटेट आयन की कंडक्टेंस जमा में K+ की कंडक्टेंस जमा में, इसको तोड़ रहे हैं, H+ की कंडक्टेंस कंडक्टिविटी जमा में क्लोराइड आयन, ठीक है, इसकी वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की यहाँ पर है माइनस। अब इसको तोड़कर लिख रहे हैं पोटेशियम K+ की कंडक्टिविटी और Cl- की कंडक्टिविटी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ठीक है। K+ प्लस का था यहाँ पर, K+ यहाँ पर माइनस का था, कट गया। फिर उसके बाद क्लोरीन यहाँ पर प्लस का था, क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी, और यहाँ पर माइनस की थी। तो इसको और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, किसकी, एसिटिक एसिड की, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आप क्या मेथड सजेस्ट कर सकते हैं वाटर की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, आप कैसे निकाल सकते हो। तो मैंने कहा कि जो भी आपको बनाना है उसको तोड़ कर लिख लो। वाटर को अगर आप डिसोसिएट करोगे, तोड़ोगे, तो ये कैसे टूटेगा, H+ में, और कैसे टूटेगा, OH- में। वाटर ऐसे ही तो टूटता है, H+ और OH- में। तो H+ आपको कहाँ से मिल सकता है, किसी एसिड से, ले लीजिए कोई एसिड, मान लीजिए HCl ले लिया। OH- आपको कहाँ से मिल सकता है, बेस से, ले लीजिए बेस, NaOH ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी तरफ से। और जो हटाना है, H+ मिल जाएगा, OH- मिल जाएगा, Na और Cl मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको घटा दूंगी, NaCl को क्या करूँगी, घटा दूंगी, ठीक है। तो NaCl को अगर मैंने घटाया, तो अब देखिए इसको तोड़कर लिखेंगे, यहाँ पर क्या है H+, इधर क्या है Cl-, ठीक। फिर उसके बाद NaOH को तोड़कर लिखेंगे, क्या है Na+, इधर क्या है OH-, फिर इसको तोड़कर लिखेंगे, क्या है ये Na+, और क्या है Cl-, ठीक है। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ठीक है। अब Cl से Cl कट गया और Na+ से Na+ कट गया, इन दोनों को जोड़कर लिख दीजिए H+ और OH-, तो ये आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मोलर कंडक्टिविटी किसकी, वाटर की, क्लियर है, ठीक है। तो इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, आपको डाटा दे देंगे, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो देख लीजिए क्या बनाना है, जिसको बनाना है उसको जोड़ दीजिए, जो नहीं चाहिए उसको घटा दीजिए, तो आपके पास न्यूमेरिकली भी इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हमारी क्या है,
सेकेंड एप्लीकेशन हमें क्या बता रही है? सेकेंड एप्लीकेशन बता रही है कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। बहुत बच्चों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है? ध्यान से सुनिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल होता है अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट का सिंबल होता है के। इस बात का आप ध्यान रखें, के होता है के, ठीक है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? जो भी मोलर कंडक्टिविटी है कॉन्सेंट्रेटेड वाली, वो उसे डिवाइड कर दीजिए मोलर कंडक्टिविटी से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप इन्फिनिटी की जगह नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपका अल्फा निकल आता है। अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, के की बात करें, तो के को निकालने का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है? अब देखिए ये कैसे आता है। मान लीजिए आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इनिशियली मैंने इसके 10 मान लो मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए, तो ऐसा हो सकता है कि जब रिएक्शन शुरू हो तो इसके 10 के 10 मॉलिक्यूल ना टूटे, 4 टूट जाएं। समझ में आया? 4 टूट जाएं, 6 बच जाएं। देखो, समझो पहले इसको। शुरुआत में टाइम जीरो पे मान लीजिए इसके 10 मॉलिक्यूल थे। टाइम जीरो का मतलब क्या? रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई। रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई मतलब एसीटेट आयन और H+ आयन अभी बना नहीं है फिलहाल के लिए। अब मान लो इसमें से 4 एसिटिक एसिड टूट गए, तो 4 अगर टूटे तो यहाँ से 4 कम हो गए, 6 बचे, ठीक है? अब देखो, अगर 4 एसिटिक एसिड टूट रहे हैं, एक एसिटिक एसिड जब टूटता है तो क्या देता है? एक एसीटेट आयन और एक H+। 2 एसिटिक एसिड टूटेंगे तो 2 एसीटेट आयन और 2 H+ देंगे। 4 एसिटिक एसिड अगर टूटेंगे तो क्या देंगे? 4 एसीटेट आयन और क्या देंगे? 4 H+। तो मैं आपको यहाँ से इस बात से क्या समझाना चाह रही हूँ कि जितने मॉलिक्यूल हम तोड़ रहे हैं, यहाँ से घटा रहे हैं ना, क्योंकि वो टूट गए, ठीक है? तो यहाँ पे हम जितने मॉलिक्यूल घटा रहे हैं, मतलब जितने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, उतने ही केटायन उस तरफ बन रहे हैं और उतने ही एनायन उस तरफ बन रहे हैं। मतलब एसीटेट आयन बनेगा 4 और H+ बनेगा 4। एक मॉलिक्यूल एक एसीटेट और एक H+ दे रहा है, तो 4 मॉलिक्यूल जब टूटेंगे तो 4 एसीटेट और 4 H+ देंगे। तो मैंने 4 को तोड़ा है तो 4 एसीटेट और 4 H+ मिले, और जितने टूट गए वो यहाँ से कम हो गए, तो 10 में से 4 घटा दिया कि अब एसिटिक एसिड 6 बचे, एसीटेट आयन 4 बन चुके हैं और H+ 4 बन चुके हैं। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है? तो अब इसको जनरल तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए एसिटिक एसिड की कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी सी, किसी टाइम पर जब रिएक्शन शुरू हुई तो एसीटेट और H+ बनने लगा। जितना एसीटेट आयन बनेगा उतना ही H+ बनेगा, तो यानी कि ये सी है तो ये भी सी है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी भी वही कॉन्सेंट्रेशन होगी। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जिस डिग्री से वो डिसोसिएट होगा उतने ही डिग्री से वो बनेगा, तो हम इसको कर देते हैं सी अल्फा। सी अल्फा जितना यहाँ पर बना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। तो हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन में से सी अल्फा घटा दिया कि जितना यहाँ पर बना है उतना यहाँ से कम हो गया। क्लियर है? अब हम निकालते हैं के। के निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक? स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है सी अल्फा। सी अल्फा रिएक्टेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी पर? ये है सी माइनस सी अल्फा। यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस अल्फा बचेगा, एक सी से एक सी कट गया और ये क्या आ गया? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है? तो यहाँ पर यही मैंने एक्सप्रेशन लिखी थी कि के का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। सी कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन होती है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, बट फिर भी मैं सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय
लैम्डा एम नॉट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो सीबीएसई के पेपर में आपको ये कम ही देखने को मिलेगा, बट क्या कहते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चार एप्लीकेशंस हैं, चारों आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ये हमारी एक डिवाइस होती है जिसमें हम केमिकल एनर्जी जो कि जनरेट हो रही है किसी रिडॉक्स रिएक्शन से, उसको हम यूज करते हैं करंट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम यूजफुल वर्क डन को कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी जो जनरेट हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन से, उससे हम करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके सेटअप के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें हम क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं और इन दोनों कंटेनर को हम हाफ सेल कहते हैं। हाफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, एक कंटेनर के अंदर रिडक्शन होता है। बेसिकली लेफ्ट साइड में हम एनोड को दिखाते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, राइट में हम उस बीकर को दिखाते हैं जिसमें रिडक्शन हो रहा हो, कैथोड लगी हो। अब एक बीकर की बात कर लेते हैं, इसमें हम मेटल की रोड लगाएंगे। जो मेटल की रोड हम ले रहे हैं उसी से रिलेटेड हम उसका इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर जिंक की रोड ली है, तो मैं उसे डिप करूंगी जिंक के ही इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि ZnSO4 में, और इसकी कंसंट्रेशन लूंगी 1 मोलर। अगर मैंने यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है, ठीक है, तो मैं उसको किस में डिप करूंगी, कॉपर के ही इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि CuSO4 में, कॉपर सल्फेट में, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी लूंगी, 1 मोलर। तो ये है मेरी क्या, कॉपर की रोड। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी से, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनके बीच में हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लगाते हैं, जिसे हम सॉल्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या भरा जाता है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, अगर अगर या फिर जेलेटिन में, ठीक है। इसका काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का अगर कोई फंक्शन पूछ ले तो एक फंक्शन तो लिखो कि सर्किट को कंप्लीट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक है जिंक और एक है कॉपर। कौन सी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करेगी, कौन सी इलेक्ट्रोड जो है वो रिडक्शन शो करेगी, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल से। किससे डिसाइड करते हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल से, मतलब कि इनके रिडक्शन करवाने की क्षमता कितनी है या फिर कैसी है, ठीक है। मैं एक मिनट ग्रीन मार्कर ले लूं। हाँ जी, तो अब जो हमारा कॉपर है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है प्लस का 0.34 वोल्ट, और जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, उसकी वैल्यू होती है माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कि उसकी रिडक्शन यानी कि गेन करने की क्षमता कितनी अच्छी है। कॉपर की प्लस में जा रही है, जिंक की माइनस में जा रही है, तो देख के ही पता चल रहा है कि किसकी रिडक्शन कराने की क्षमता कंपैरेटिवली अच्छी है, कॉपर की। तो कॉपर क्या कराएगा, रिडक्शन। अगर मैं कॉपर को किसी ऐसे के साथ जोड़ दूं, किसी ऐसे के साथ कपल कर दूं जिसकी अदर वाले की 0.34 से भी ज्यादा है, तो फिर वो वाला अपना रिडक्शन कराएगा और कॉपर को क्या करना पड़ेगा, अपना ऑक्सीडेशन। तो इस बात से आप क्या समझे, इस बात से हम ये समझे कि कोई भी मेटल ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, रिडक्शन भी शो कर सकता है। कब क्या करेगा शो, ये डिसाइड ऐसे होता है कि हमने उसको कपल किसके साथ किया है, जोड़ा किसके साथ है, समझ में आया।
तो जिंक और कॉपर में यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, तो कॉपर क्या शो करेगा अपना, कॉपर शो करेगा रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसलिए जिंक क्या शो करेगा अपना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, आप इसे ऐसे याद रखेंगे एनॉक्स कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्या क्या याद रखेंगे कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और याद रखेंगे आप रेड कैट मतलब कि कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होगा हमारा रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, हमने मेटल्स को उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर डिप कर रखा है। अब क्या हो रहा है, जिंक जो है इसका, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से कम है, तो ये क्या करेगा, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारी जिंक की मेटल की रोड है सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, Zn2+ देगी सॉल्यूशन में और दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, तो धीरे धीरे क्या होगा जिंक की जो रोड है वो डिग्रेड करने लगेगी, सॉल्यूशन के अंदर क्या देने लगेगी Zn2+, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे और कहां जाएंगे दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, मैं इसको वो कर देती हूँ लाइक क्लोज सर्किट बना देती हूँ, ओपन सर्किट बनाएंगे तो ट्रेवल कैसे होगा, तो ये रोड हमारी इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम कर रही है, तो ये सोर्स होती है हमारी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड हमारी कैसी होती है पॉजिटिव। क्लियर है, ये हमारी क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है जिंक हमारा क्या है एनोड, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है यानी कि ये हमारा क्या है कैथोड। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो जिंक की रोड जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड कर रही है, सॉल्यूशन के अंदर जिंक भेजा जा रही है और इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड्स पर आ रहे हैं, यहां पर हमने क्या लिया है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट कैसे टूटा हुआ है Cu2+ SO4 2- Cu2+ SO4 2- इस तरीके से टूटा हुआ है, तो जो कॉपर के आयन हैं जैसे ही उनको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, और ये जो कॉपर 2+ के आयन्स हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे कॉपर सॉलिड बन के, और धीरे धीरे इसी इलेक्ट्रोड पे कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा। क्लियर है ये बात, ये बातें आपका बेस स्ट्रांग कर रही हैं, यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल आ सकता है, अगर आप इसकी बेसिक चीज को समझ रहे हैं फिर आप किसी भी तरीके के सवाल को आंसर करने में कैपेबल हैं। क्लियर है, ये जो है मेरी जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये है मेरी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और जिसमें रिडक्शन हुआ है गेन हुआ है ये क्या है मेरी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्लियर है, ओवरऑल रिएक्शन को बनाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में और राइट में बैलेंस होने चाहिए, यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली बैलेंस है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बैलेंस नहीं होती, तो इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, आप दोनों हाफ रिएक्शंस को तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक लेफ्ट में और राइट में इलेक्ट्रॉन एक जैसे ना हो। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट गया, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर देंगे, ये बन गया जिंक सॉलिड प्लस में कॉपर 2+ एक्वस गिव्स जिंक Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनी है, ये हमारी बनी है ओवरऑल रिएक्शन, ये क्या बनी है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, अब वापस यहां पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है कैथोड से एनोड की तरफ, यानी कि इस जगह हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन की तरफ कि सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है। अब देखो क्या है,
जो हमने जिंक और सल्फेट जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था वन मोलर के हिसाब से लिया था, तो वन मोलर के हिसाब से यहाँ पर जिंक के आयन थे और सल्फेट के आयन थे, पर जब इसने आयन्स को भेजना शुरू किया तो जिंक ही तो भेज रहा है, तो जिंक आयन्स जो है इनकी कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट के मुकाबले बढ़ रही है, तो प्लस चार्ज यहाँ पर बीकर में बढ़े जा रहा है। नेगेटिव तो उतने का उतना ही है, पर ये इलेक्ट्रोड के भी जिंक के आयन्स आ गए तो प्लस चार्ज कंपैरेटिवली बढ़ गया नेगेटिव के, तो यहाँ पे इस बीकर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, अपना नेगेटिव आयन भेजता है। मान लो मैंने यहाँ KCl लिया है, तो ये क्या करेगा, अपने Cl- को यहाँ पर भेजेगा कि भाई मैं नेगेटिव, तू जा और जो भी एक्स्ट्रा में प्लस चार्ज आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट लिया था हमने वन मोलर के हिसाब से, तो कॉपर और सल्फेट के आयन वन मोलर के हिसाब से थे। अब क्या हुआ, कॉपर के आयन तो भागने लगे डिस्चार्ज होने के लिए, तो यहाँ पर सल्फेट 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 आयन जो है वो बचने लगा, तो यानी कि पॉजिटिव तो धीरे धीरे कम होने लगा, नेगेटिव उतने का उतना ही है, तो उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अपने पॉजिटिव आयन को भेजेगा कि K+ तू जा और जो भी नेगेटिव बच रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर, ताकि सेल जो है वो प्रॉपरली वर्क करता रहे। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली हमने काम की बातें डिस्कस कर ली। जिस बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जिस बीकर के अंदर हमारा रिडक्शन हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को मिला के ये जो पूरा बना है हमारा, ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेल, ओवरऑल सेल। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर, अगर हमें ई सेल निकालना है, अगर मेरे को ई नॉट सेल निकालना है तो मैं ई नॉट सेल को कैसे निकाल सकती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है कैथोड -एनोड। कैसा होता है, कैथोड -एनोड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं नॉट लगा रही हूँ, आगे जाके नर्स में आप ई सेल भी पढ़े, ठीक है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में आप जो भी आप करेगा RT/NF log ऐसे ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ई नॉट अलग होता है, ई सेल अलग होता है। नॉट का मतलब ये है कि ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पर किया है, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर थी, जब टेम्परेचर हमने 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, अगर कहीं किसी जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है वहाँ पे प्रेशर 1 bar 180 हम फिक्स रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब सेल वर्किंग होती है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन की मैं ज़रा और बात कर लेती हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं ज़रा। जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे किया जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखा जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं, बीच में दो वर्टिकल लाइन लगाते हैं, इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज, फिर हम कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। अब एनोड पे हमारा क्या हुआ था, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ था, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए थे, जिंक ने, तो जिंक सॉलिड से वो किस में चेंज हुआ था, Zn2+ aqueous में। तो मैं लिखूंगी कि जिंक सॉलिड था, एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब फेस ट्रांजिशन, कि सॉलिड से लिक्विड हुआ है या लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ है। तो जिंक सॉलिड मेरा किस में चेंज हुआ, जिंक एक्वस में, मैंने लिखा Zn2+ aqueous, फिर लगा दी मैंने वर्टिकल लाइन। अब कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन किसका हुआ था, कॉपर का, तो कॉपर किस में चेंज हुआ था, Copper 2+ aqueous वर्टिकल लाइन, और फिर किस में चेंज हुआ है, कॉपर सॉलिड में। कुछ क्वेश्चंस में एक्वस की जगह कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी दे दी गई होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिंक सॉलिड Zn2+ aqueous। अब ये हमने कितना लिया था, इसकी कंसंट्रेशन वन मोलर, तो मैं वन मोलर लिख दूंगी। वर्टिकल लाइन Copper 2+, कॉपर सल्फेट भी वन मोलर लिया था, तो वन मोलर, वर्टिकल लाइन कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।
नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल को निकालना है या डिटरमाइन करना है। कैसे करते हैं? सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरों का कैसे निकाल सकते हैं इसके साथ जोड़ के उसको समझेंगे। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। उस बीकर के अंदर हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl लेते हैं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का। एक वायर लगाते हैं प्लैटिनम की, यहाँ पर चिप लगाएंगे जिसपे प्लैटिनम, ब्लैक प्लैटिनम कोटेड रहेगा, और इसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ये अपने सरफेस को प्रोवाइड कराता है रिएक्शन के लिए। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 298 केल्विन, और हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इधर सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकती है। हाइड्रोजन की जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकती है। ये एनोड की तरह भी एक्ट कर सकती है और ये कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, कैथोड और एनोड की तरह एक्ट कर सकती है? इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है आर्बिट्रेरली वो होता है 0। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, जो प्लैटिनम का सरफेस है, जो प्लैटिनम है उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगी, चिपक जाएगी। जब ये एड्जॉर्ब होगी प्लैटिनम के सरफेस पे तो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने लगेगा। ठीक है, जब ये टूटेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रेडिकल में चेंज हो जाएगा। अब ये रेडिकल जो है अनस्टेबल होता है, ये रेडिकल क्या चाहेगा कि मैं किसी और फॉर्म में चेंज हूँ। तो दो पॉसिबिलिटी है, क्या कि एक तो ये हाइड्रोजन के जो रेडिकल हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, ठीक। दूसरा भी एच रेडिकल है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और बना सकता है 2H+। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। अब क्या है, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में HCl लिया है, और HCl कैसे टूटता है, H+Cl-, H+Cl-। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो HCl के H+ प्लैटिनम के सरफेस पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, एच रेडिकल। फिर दूसरा H+ भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बना सकता है एच रेडिकल, और दोनों एच रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं और कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, H2 गैस, और वो H2 गैस बबल बन के यहाँ से बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है वो इधर प्लैटिनम के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो एनोड की तरह एक्ट करेगी। अगर HCl के H+ जा रहे हैं, मान लो कहीं से इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर, तो ये इसके सरफेस पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाकर बबल आउट हो जाएंगे। तो हमारी हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकती है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लैटिनम H2 गैस, ठीक, 1 atm, फिर वर्टिकल लाइन H+, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जब हमें किसी अलग मेटल का क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे जोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे, इस हाफ सेल को किसी दूसरे हाफ सेल के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ना कॉपर ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, और मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट ले लिया 1 मोलर, और इसको मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ठीक है, ये मेरी कॉपर की रोड है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया ताकि सेल हमारा कंप्लीट हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी मेंटेन रहे। क्लियर है इतनी बात? तो कॉपर रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 0।
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो अपना रिडक्शन कराएगा, यानी कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल होकर आएंगे, फिर ये कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भागेंगे, ये डिपॉजिट होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब मेरे को तो ये चीज पता चल गई कि भाई ये मैं पहले ही मैंने बोल दिया कि कॉपर रोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। जब हमने इसको पहली बार किया होगा उस समय हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता होगा, तो हमने क्या किया, हमने इसको हाइड्रोजन के साथ कपल कर दिया। जब हमने इसको हाइड्रोजन के साथ कपल किया और हमने इसका ई सेल निकाल कर देखा, जब हमने इसका ई सेल निकाल कर देखा तो ई सेल की वैल्यू इसकी क्या आई, इसके ई सेल की वैल्यू आई 0.34 वोल्ट। ठीक है, जो ई सेल की वैल्यू आई वो क्या आई, 0.34 वोल्ट, और वहां से हमें पता चला कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट होता है, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। समझ में आया। अब मान लीजिए अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का 0.76। ठीक है, और जो कॉपर है उसका रिडक्शन हाइड्रोजन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, यहां पर मैंने जिंक की रोड लगाई और इसको डिप कर दिया ZnSO4 में, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। दूसरे बीकर में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लगा दी। अब देखिए इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं फिलहाल अभी जल्दबाजी में ही बना रही हूं कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है ऐसे, और ऐसे ये कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में बनाया। तो अब क्या है कि जिंक जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, माइनस का 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, इसका होता है 0 वोल्ट। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस वाला कि प्लस वाला, ऑब्वियसली पाथ है प्लस वाला। तो अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे मेरे को ये बताने की सिर्फ दो ही बातें मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। एक तो हाइड्रोजन हमारा दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी। ठीक है, दूसरी चीज, हम इसको किसी ऐसे अननोन मेटल के साथ जोड़ सकते हैं जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल ना पता हो, और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है। एक तो आपको पता ही है कि जीरो है, तो जो भी ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आपके दूसरे वाले मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक की जीरो है तो जो भी टोटल वैल्यू है वो इसी की आएगी। समझ में आया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन हम दो फॉर्म्स में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, फिर हम पढ़ेंगे ईएमएफ के लिए या ई सेल के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या था कि जो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, कौन सा यूज करते थे कि भाई ई सेल आपको निकालना है तो आप आसान सी चीज कर दीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दीजिए। ठीक है, पर ये फॉर्मूला हमारा तभी वैलिड था जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे सारी चीजों को ले रहे हैं, पर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 atm/1 bar होता है। तो हम अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। आप खुद ही देखिए, इंडिया में ही आपको कितना ज्यादा वर्सेटाइल नेचर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, हरियाणा में टेम्परेचर अलग होगा, राजस्थान में टेम्परेचर अलग होगा, केरला में टेम्परेचर अलग होगा, जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर अलग होगा। तो हमारे लिए ये जरूरी नहीं होता कि हम जिस भी चीज को स्टडी कर रहे होते हैं उसमें टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड की रहे, अलग अलग भी हो सकती है। तो जब हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे या अलग अलग टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ई सेल निकालना होता है तो हम नर्स्ट इक्वेशन की मदद लेते हैं। ठीक है, जबकि तो इन्होंने एक्सप्रेशन दी, क्या दी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय NF LN M की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय उसके आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो
एक्वस मीडियम में है। अब ये क्या है, एम क्या है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लो जिंक है। अच्छा, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी नर्स्ट इक्वेशन हम यूज करते हैं हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को फॉलो करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को स्टडी करना है, ठीक है। अब जैसे कि जिंक है, जिंक 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, जिंक बनाएगा। तो मैं, जिंक एक मेटल है ना, इसके लिए मैं लिख सकती हूँ एम। इसके चार्ज के लिए मैं लिख दूंगी N+। N+ मतलब इसका चार्ज है। N क्या है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने वो गेन करेगा और वो जिंक में चेंज होगा, ठीक है, यानी कि मेटल में चेंज होगा। तो जो हम K निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, M, और रिएक्टेंट क्या है, MN+। समझ में आया? तो अब हम इस पर आते हैं वापस। अगर मैं इसे नेचुरल लॉ को बेस 10 में लिखना चाहूं, बेस 10 वाले लॉग में, तो मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये बन गया ये NF लॉग M की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय उसके आयन की कॉन्सेंट्रेशन। जो भी हमारे पास प्योर सॉलिड होते हैं, प्योर लिक्विड होते हैं, प्योर गैस होते हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं, यानी कि 1 मानते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो प्योर सॉलिड बन रहा है वो क्या बन रहा है, मेटल बन रहा है, जिंक बन रहा है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ E=E₀-2.303 RT/NF log, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1, तो ये हो गया 1/MN+ की कॉन्सेंट्रेशन। R क्या है मेरा, गैस कॉन्स्टेंट 8.314। टी क्या है मेरा, टी मान लो अगर सपोज 298 दे रखा है, ठीक है। और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट 96500। वैसे 96487 होती है वैल्यू, पर हम राउंड ऑफ करके 96500 ले लेते हैं। तो इन नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर हम फैराडे कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है E=E₀-cell − 0.0591/N log 1/MN+ की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं जिंक के लिए इसको लिखना चाहूं तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये E=E₀-0.0591/N log 1/Zn₂+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि हम अगर कंसंट्रेशन कुछ और है या टेम्परेचर कुछ और है हम इस एक्सप्रेशन का तब यूज़ करते हैं। जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है उसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि आप क्लास 12 के बच्चे हैं, आपके पास इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं बोर्ड में, तो ज़्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पर 298 केल्विन टेम्परेचर हो। अगर 298 केल्विन टेम्परेचर है तो आप इतनी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने में अपना समय क्यों व्यर्थ करोगे, आप सीधा इसके सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन को याद कर लो। अगर बाय चांस आपकी किस्मत इतनी बेकार निकलती है कि भाई जो आपका पेपर है उसमें 298 टेम्परेचर ना दे के कोई और टेम्परेचर दे रखा है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आप अपना ई निकालेंगे। तो मेरे को पर्सनली लगता नहीं है कि आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो पुट करेंगे, जो भी आपको जो भी इलेक्ट्रोड दे रखा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पुट करेंगे और आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल बता देंगे उस कॉन्सेंट्रेशन पे और उस टेम्परेचर पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन ईएमएफ ऑफ अ सेल के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ना एक कंप्लीट रिएक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम डैनियल सेल की रिएक्शन को देखेंगे, हमने पढ़ा भी है, हमने देखा था कि जिंक होता है सॉलिड में और कॉपर होता है 2+ एक्वस में। जिंक जो है चेंज हो जाता है Zn₂+ एक्वस में, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ सेल को जब हमने ऐड किया था, और कॉपर हमारा चेंज हो जाता है सॉलिड में, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम। अब देखिए, सबसे पहले मैं जिंक की बात करूंगी। नर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, E=E₀
ई नॉट, ठीक है, माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, और क्या होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, अच्छा इस एक्सप्रेशन को देख के नहीं लिखना है आपको, इस एक्सप्रेशन को देख कर लिखना है, क्या, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, नर्स्ट इक्वेशन में हम हमेशा रिडक्शन को कंसिडर करते हैं। तो जेड एन टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जेड एन में चेंज हो रहा है, तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो जिंक ऊपर आएगा, जेड एन टू प्लस नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड एन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जेड एन टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना, आप इसको सिंपल ऐसे याद कर लो कि सॉलिड फॉर्म ऊपर आएगी और जो आयोनिक फॉर्म है आयन वाली वो नीचे आएगी, ठीक है, मतलब जब उस पर चार्ज है, क्लियर है। प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या कही थी आपको, क्या लेनी है, वन लेनी है। फिर आप इसको उल्टा कर दो, जब इसको आप उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। या आप ऐसे देख लो कि जब आप इसको रिवर्स करके लिखोगे तो ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो मैं इसे रिवर्स करके लिख रही हूँ, जेड एन टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। अब किसका निकाल रहे हैं, जिंक का, तो जेड एन टू प्लस ओब्लिक जेड एन, यहाँ पे भी क्या है, जेड एन टू प्लस ओब्लिक जेड एन। जब मैं कॉपर के लिए निकालूंगी तो कॉपर के लिए क्या लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू कॉपर टू प्लस ऑब्लिक कॉपर, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं, इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर टू प्लस ऑब्लिक कॉपर प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन कॉपर टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। सेम चीज ऐसे बन जाएगी। अब मेरे को निकालना है ई सेल, मुझे क्या निकालना है, ई सेल। ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल निकालने का फॉर्मूला होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कौन है जिसका रिडक्शन होता है, कॉपर का होता है, तो मैं कॉपर की रिएक्शन लिखूंगी, ई नॉट कॉपर टू प्लस ऑब्लिक कॉपर प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन कॉपर टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। माइनस में अब किसकी लिखेंगे, एनोड की, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो किसका होता है, जिंक का होता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो ये हो जाएगा ई नॉट, ठीक है, जिंक का पुट कर रहे हैं, जेड एन टू प्लस ओब्लिक जेड एन प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन जेड एन टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात ठीक है। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये प्लस का तो माइनस में हो गया, ये भी प्लस का माइनस में हो गया, ठीक है। इसको और इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कॉपर टू प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस में ई नॉट जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन। इसको और इसको लिख दिया, अब इसे लिख दीजिए प्लस में आर टी एन एफ एल एन कॉपर टू प्लस माइनस में आर टी बाय एन एफ एल एन जिंक टू प्लस, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड है, नॉट में है, तो ई नॉट सेल लिख सकते हैं इसे हम। तो ये बन जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इसकी जगह लिखा है मैंने ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला बन गया। यहां से आर टी बाय एन एफ को कॉमन ले लीजिए, तो आर टी बाय एन एफ हमारा कॉमन आ गया है, और ये हो गया है एल एन कॉपर टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन माइनस में एल एन जेड एन टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। आइडेंटिटी लग रही है यहां पर, एल एन ए माइनस एल एन बी, ठीक है। तो ये हो गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आर टी एन एफ। आइडेंटिटी क्या होती है, एल एन ए माइनस एल एन बी जब होता है तो हम क्या लिख देते हैं, एल एन ए बाई बी लिख देते हैं, तो इसको भी लिख देंगे एल एन क्या लिख देंगे, कॉपर टू प्लस बाय जिंक टू प्लस, ठीक है। ए माइनस बी था तो ए डिवाइडेड बाय बी लिख दिया। अब इसको कर देंगे हम रिवर्स, तो ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन जेड एन टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में कॉपर टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे
और इसको भी नेचुरल लॉग को भी बेस 10 वाले लॉग में चेंज कर देंगे, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303, आर को 8.314 रखा, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है, एन आपको पता ही है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होते हैं, बट मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं लिख रही, मैं एन लिख रही हूँ क्योंकि मुझे जनरल एक्सप्रेशन बनानी है, इनटू में 96500, ये चेंज हो गया एलओजी लॉग में जब मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई किया, और ये क्या है ZN2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जब आप करेंगे तो आपकी क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ZN2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपकी बन गई नर्स्ड एक्सप्रेशन ई सेल के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक और कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। जो भी क्वेश्चन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो पुट कर दीजिए और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, कैथोड माइनस एनोड वाला, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। अब मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन ना ऐसे दे रखी है, ए ए प्लस बी बी, मतलब जिसमें सोशियोमेट्री भी इन्वॉल्व है, और एक्स एक्स प्लस वाई वाई, तो उसके लिए जो आपकी नर्स्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है एक्स है और वाई है, रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट में क्या है ए और बी, जो भी इनकी सोशियोमेट्री है, जो भी इनके आगे का कोफिशियंट है, नंबर है, वो इनकी पावर में चढ़ा देना, एक्स के आगे जो नंबर होगा वो उसकी पावर में, वाई के आगे जो नंबर होगा वो उसकी पावर में, ए के आगे जो नंबर होगा वो इसकी पावर में, और बी के आगे जो नंबर होगा वो इसकी पावर में, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके की जनरल एक्सप्रेशन का मैंने क्या दे दिया, नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, एक तो पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन, और एक पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए जिंक सॉलिड है, प्लस में कॉपर 2+ एक्वस है, इक्विलिब्रियम में है ये रिएक्शन, और Zn2+ में चेंज हो रहा है जिंक एक्वस में, और कॉपर 2+ किस में चेंज हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया तो डेनियल सेल का एग्जांपल लेके पढ़ाया, और आपके सिलेबस में भी यही है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट ये है, तो मैं लिखूंगी Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में कॉपर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। अब हो क्या रहा है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या प्योर गैस दिया हो तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लेते हैं। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लेंगे। तो K जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नर्स्ड इक्वेशन लगाते हैं, नर्स्ड में क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन बाय एन एफ एल एन, क्या होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो यही सब चीज दोबारा लिखनी है, मैं नहीं लिख रही, इसको इसको 1 मान लेते हैं, तो इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो है मेरा, ये किसके बराबर होता है, के, तो क्या बन गया ये, ई सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन के केसी, कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप चाहें तो इसको दूसरे लॉग में चेंज कर सकते हैं, आर टी एफ की वैल्यू सब पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 8.314 इंटू में 298 इंटू में 2.303, ये हो गया लॉग के सी डिवाइड बाय एन और एफ की वैल्यू हो गई 96500। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा थोड़ी, चलो मैं लिख लेती हूँ, बाद में मिटा दूंगी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग के सी। अब इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर जो हमारा ई सेल होता है वो हमारा जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होता है, जीरो। तो जीरो पुट कर देंगे, जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग के सी हो गया। इसे यहीं रखिए, माइनस के टर्म को यहां ले जाइए, पॉजिटिव की बन जाएगी। तो ई नॉट सेल क्या आएगा हमारा, प्लस का 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग के सी। तो ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन नर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो गिब्स एनर्जी वाली एक्सप्रेशन है इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं, थोड़ा इसमें ज्यादा जगह घेर ली हमने तो आप देख लेंगे। अब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है कि भाई हमने कितनी क्वांटिटी, कितना चार्ज जो है वो पास आउट किया, यानी कि NF, ठीक है, इनटू में हम कर देते हैं EMF यानी कि ई सेल। जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो हमारा क्या होता है, यूजफुल वर्क डन, वो हमारा क्या होता है, यूजफुल वर्क डन। तो हम यूजफुल वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी। ये बन जाएगा आपका क्या, NFE सेल। अगर मैं यहां पर स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं डेल्टा जी नॉट, तो यहां पर बन जाएगा ई सेल नॉट, ठीक है। अब देखिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NF। ई सेल जो है, ई सेल जो है, ई सेल की एक्सप्रेशन क्या होती है हमारी, ई नॉट सेल की, यहां से निकाल लो। जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल की एक्सप्रेशन क्या होती है, वो होती है हमारी, अच्छा मुझे ना NF से NF काटना है तो मैं ये एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाली एक्सप्रेशन उठा रही हूँ मैं, इसको आप दोबारा लिख लेना। आप कह देना इक्विलिब्रियम पर ई सेल तो हमारा जीरो हो गया, और ये वाली टर्म जब आप इसको यहां लेकर आओगे तो पॉजिटिव की हो जाएगी। तो ई नॉट सेल की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, प्लस का RT बाय NF, और क्या हो गया, LN KC, ये हो गया। NF से NF कट गया, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी RT LN KC, ठीक। नेचुरल लॉग को बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग KC, ठीक है। नोट करिए इसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो हमारा यूजफुल वर्क डन होता है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए, डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव 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 भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव है, उसको वहां भेजेंगे तो ये भी नेगेटिव का आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2.303 RT लॉग KC।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो डालूंगी उसमें जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ना, वहाँ पे उन क्वेश्चंस को कवर अप करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मुझे रिकॉर्ड करते करते रात हो गई है। अगर आप देखेंगे तो मैंने रिकॉर्ड करना इसको दिन में शुरू किया था, उस समय काफ़ी रोशनी थी, और अब आप देख सकते हैं अगर जाके पीछे देखोगे तो अब आपको काफ़ी डार्कनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि अब रात हो गई है। ठीक है, तो हर जगह अंधेरा हो गया है। तो ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, और तो जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूँगी। इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हम करंट देते हैं और करंट देने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है। ठीक है, और कैथोड और एनोड पे हमें रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट देता है। अब देखिए पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं। एक हम क्या करते हैं, ग्लास कंटेनर लेते हैं, ग्लास वेसल लेते हैं, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना होता है, ठीक है, तो हम उसको भर देते हैं। हम दो मेटल की रोड लगा देते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड को हम कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, और एनोड को हम कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी भी आप चार्जेस से कैथोड एनोड याद मत किया करो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि गैल्वेनिक सेल में अलग साइंस रहते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक में अलग रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे तो वहां पे जो आपकी कैथोड रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव, और एनोड जो है वो कैसे रहेगी, वो रहेगी नेगेटिव। जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो आपका कैथोड रहता है वो रहता है नेगेटिव, ठीक है, और एनोड जो है वो आपका क्या रहता है, पॉजिटिव। तो इनके साइन अपोजिट रहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज जो कभी नहीं बदलती, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, वो ये है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ये चीज हमेशा आपकी फिक्स है, चाहे आप सेल फिर भले ही कोई सा भी पढ़ रहे हैं। तो हम आते हैं इस पे, हम एक ग्लास का कंटेनर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, मेटल की रोड लगाते हैं, एनोड और कैथोड उनको टर्मिनल से हम एडजस्ट कर देते हैं। जब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, या तो हम उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर देंगे या फिर हम उसको पिघला कर ले लेंगे उसकी मोल्टन स्टेट में। जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, वो आयन्स में टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किस में टूट जाएगा, आयन्स में टूट जाएगा। एक होगा केटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक होगा एनायन जिस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो जिन आयन्स पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं जिस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, भाई अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव वाले उस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, ये आयन्स जिन पे प्लस चार्ज है ये उस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे जिस पर नेगेटिव है। अब ये आयन है क्योंकि इस पर चार्ज है, और ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कैथोड का मैंने क्या ले लिया, CAT। तो इन आयन्स को कहा जाता है कैटायन्स, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं। कौन होंगे पॉजिटिव से अट्रैक्ट, नेगेटिव वाले। तो इन पर चार्ज है इसलिए इनको आयन कह रहे हैं, और ये एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो एनोड का मैंने AN ले लिया, तो इनको हम क्या कहेंगे, एनायंस कहेंगे। जो हमारा ये इसका मैकेनिज्म होता है वो हमारा आयोनाइजेशन थ्योरी पर बेस्ड होता है। ये आयंस क्या करेंगे, ये आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और अपने आप को न्यूट्रल स्पीशीज में चेंज कर लेंगे। तो जो भी इनका क्या चल रहा है, आपको पता है ये मैंने क्या कहा, ये चीज कभी नहीं बदलती कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमेशा फिक्स है कि क्या होगा, रिडक्शन होगा, रेड कैट यानी कि क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी चेंज।
जब ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं, और जब ये अपने आप को किसी प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे जब हम PBBr2 का एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन अपने आप को जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, तो Br रेडिकल में चेंज कर लेगा। न्यूट्रलाइज करना प्राइमरी चेंज है, वो Br रेडिकल जब कंबाइन होकर Br2 बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट बनाने वाला सेकेंडरी चेंज। ठीक है, जरूरी नहीं है, बहुत सारे हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जहां पे सेकेंडरी चेंज नहीं हो रहा होगा, बट प्राइमरी चेंज हर उसमें हो रहा होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने मोल्टन NaCl ले लिया। मोल्टन क्या ले लिया, NaCl ले लिया, जो हमारा एक्वस NaCl होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं, और उसमें उसका प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे वाटर भी अपना रोल प्ले करता है। तो मतलब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट अगर पूछ ले ब्राइन का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ब्राइन का मतलब क्या है, कि एक्वस NaCl ले रहे हैं। अब देखिए क्या है, हमने NaCl लिया पिंगली फॉर्म में, और ये क्या करेगा, Na+ में और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वही लूज करेगा जिसके पास है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो Cl- क्या करेगा, Cl- यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा और अपने आप को रेडिकल बना देगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कहलाया मेरा, ये कहलाएगा प्राइमरी चेंज। समझ में आया। अब Cl रेडिकल जो है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो दो Cl- आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे और दो Cl रेडिकल बना लेंगे। अब जब ये Cl रेडिकल स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे Cl रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी चेंज। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पर, एट कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो किसके पास प्लस चार्ज था, सोडियम के पास था, तो सोडियम के दो Na+ आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बना देंगे, 2Na सॉलिड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन का प्रोसेस चलता है। जहां पर एक्वस आ जाता है वहां पर वाटर भी अपना रोल प्ले करता है। वाटर में भी H+ और OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल देखा जाता है कि कौन रिएक्शन देगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फैराडे लॉ पढ़ेंगे हम। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहती है, आसान सी भाषा में फैराडे ये कहती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे, ये सीधा सीधा इस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना करंट पास किया है। भाई जितनी देर में करंट दूंगी उतना, जितनी देर तक करंट दूंगी उससे डिसाइड होगा कि हमारे रिएक्शन कितनी देर तक हो रही है। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम Q की बात करें जो कि चार्ज होता है, तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। इसे यहां पर पुट कर दीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, W = Z (I)T। अगर हम करंट जो है वो 1 कूलाम्ब दे रहे हैं, करंट जो है वो हमारा क्या है, 1 कूलाम्ब है, और टाइम जो है हमारा अगर वो 1 सेकेंड है, तो यही हमारा W किसके बराबर आ जाता है, Z के बराबर आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, बस हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपॉजिटेड है जब हम 1 कूलाम्ब करंट दे रहे हैं 1 सेकेंड तक। क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहती है हमें, इन्होंने कहा कि अगर हम दो बीकर को ले लें और उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, एक बीकर के अंदर अलग इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे बीकर के अंदर अलग इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके अगर हम सेम अमाउंट
यू नो सेम क्वांटिटी ऑफ करंट को पास करते हैं, ठीक है। तो जो वो डिपॉजिट होंगे, जो भी उनका मेटल डिपॉजिट होगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। क्या कह रहे हैं, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, द वेट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा वो बराबर रहेगा सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या कहता है, सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से पहला फॉर्मूला जो आपका रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है वो किसके बराबर होता है, एनएफ के, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सोडियम है, सोडियम पे चार्ज प्लस वन होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनए बनाता है, तो इसका एक मोल कितना डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, वन मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एनएफ के। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितना है 1, और F क्या होता है 96500, तो इसका जो चार्ज है वो क्या आ गया 96500 कूलाम्ब, कि मैं अगर इतना कूलाम्ब चार्ज दूंगी तो एक मोल सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है 2+, कुछ और ले लेते कॉपर ले लेते, जैसे कॉपर है, कॉपर पे 2+ है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बनाएगा कॉपर सॉलिड। तो अगर मैं ये पता लगाना चाहूँ कि एक मोल कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो वो क्या होगा एनएफ के बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, और एफ क्या है 96500, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जो भी आपका आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है कि MnO4- माइनस है और ये चेंज हो रहा है Mn2+ में, यहाँ पे Mn की वैल्यू निकाल लीजिए, Mn को x मानिए, प्लस में चार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 और यहाँ पर है -1, तो 4 × 8 -8 वहाँ पे जाके क्या हो गया प्लस का 8, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस का 7, तो +7 से +2 में चेंज हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव को कैंसिल कर रहे हैं और 2 अभी भी बचा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इसमें 5, तो इसके चार्ज की मतलब एक मोल अगर मुझे डिपॉजिट करना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं 5, एफ की वैल्यू क्या है 96500, तो इतना कूलाम्ब चार्ज मुझे देना पड़ेगा इसके एक मोल को डिपॉजिट करने के लिए। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, जेड निकालना है, तो किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को मैं फैराडे से डिवाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट है अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो रहा है उसको डिवाइड कर सकते हैं चार्ज से इनटू में 96500, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगी। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज एज मैक्सिमम एज मैक्स जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, प्लीज करिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।